दोस्तों, क्या आप इस चिन्ह को पहचानते हैं और इन जुड़वा भाइयों को? हम इन चिन्हों को दो या उससे अधिक संख्याओं या चीजों के बीच इस्तेमाल करते हैं, परंतु कभी कभी यह काम बहुत कठिन हो जाता है, खासकर तब जब हम नंबर्स की बात कर रहे हों। तो दोस्तों, आज हम इन चिन्हों के इस्तेमाल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न काफी छोटे लेकिन मजेदार होंगे। इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपके पास 5 सेकेंड होंगे, जो काफी हैं। साथ ही चिन्हों को लेकर होने वाले कंफ्यूजन या डाउट्स पर हम चर्चा भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उचित चिन्ह का उपयोग करें। यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जिससे ऐसे प्रश्नों को हल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले दशमलव के दाहिनी ओर की संख्याओं को गिन लें और संख्या की मात्रा के रूप में बराबर कर लें। यानी अगर एक और दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं और दूसरी ओर 3, तो नंबर्स के आगे 0 लगाकर उसे संख्या की मात्रा के रूप में बराबर कर लें। और अब दशमलव के बाईं ओर की संख्या को भूलकर दाहिनी ओर की संख्याओं में देखें कौन बड़ा है। क्या अब आपको हल करना आसान लग रहा है? माफ कीजिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया। दशमलव के दाहिनी ओर देखने से पहले यह जांच लें कि बाईं ओर की संख्या इक्वल है या नहीं। भिन्नों में हर जितना बड़ा होता है, भिन्न का मान उतना ही छोटा। सबसे पहले जब दोनों के अंश समान हैं और हर में 0.1 बड़ा है 0.05 से, यानी यह भिन्न छोटा होगा इस भिन्न से। हमेशा भिन्नों को सरल रूप दें और उसके बाद तय करें कि कौन सी संख्या छोटी है या बड़ी। अब अगला प्रश्न। इस प्रकार के भिन्नों में जहां अंश हर से बड़ा हो और अंश तथा हर के बीच का अंतर समान हो, ऐसी परिस्थिति में बड़ी संख्याओं का समावेश वाला भिन्न छोटा होगा। यकीन नहीं है तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि अंश आम है और हर व्यक्तियों की संख्या जिनमें यह आम बांटे जाएंगे। तो चलिए पहले भिन्न के आम को बांटें। सबसे पहले 5 आम 5 लोगों को दिए जाएंगे। उसी प्रकार दूसरे भिन्न में 9 आम 9 लोगों में बांटे जाएंगे। तो बताइए, 2 आम 5ों में बांटने पर 1 व्यक्ति को ज्यादा मिलेगा या 9 लोगों में बांटने पर मिलेगा? उत्तर आपके सामने है। अगला प्रश्न बिल्कुल इसका उल्टा है। ऐसे भिन्न जहां अंश हर से छोटा हो और अंश तथा हर के बीच के अंतर समान हो, उसमें पहले भिन्न को उल्टा कर लें। अब यह पिछले एग्जाम्पल जैसा हो चुका है, जिसे हम आसानी से पहचान कर चिन्ह लगा सकते हैं। अब फिर से भिन्न को उल्टा कर लें और अब हमारा चिन्ह भी बदल जाएगा, बराबर? दोस्तों, इन्हें और भी कई तरीकों से हल किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इनमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, यह उतना ही आसान होती चली जाएगी। आप अपना भी कोई नया नायाब तरीका निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते इन्हीं जानकारियों के सहारे कुछ प्रश्नों को हल करें और अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।